दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये साहब गायब हो गए हैं। जिन साहब को ये दिखाई दें या मिले तो फौरन इस नंबर पर बताएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदिया आजमगढ़ में आइंदा 20 मई से 19 जून तक समर कैंप का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें छठी जमात से 12वीं जमात तक किसी भी स्कूल के तलबा शिरकत कर सकते हैं। दूर दराज से आए हुए माहिरीन के जरिए तलबा को रूहानी, जिस्मानी और शख्सियत साजी का बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। समर कैंप की नशिस्तें महदूद हैं, इसलिए बहुत जल्द लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से चलाई जाने वाली डीजी शक्ति योजना के तहत आज शनिवार को सरोदय पॉलिटेक्निक एंड फार्मेसी कॉलेज के सभागार में टैबलेट तकसीम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के 95 छात्र और फार्मेसी कॉलेज के 62 छात्र को मुख्य अतिथि MLC विजय बहादुर पाठक के हाथों टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। BJP के सीनियर लीडर अखिलेश कुमार मिश्र भी इस टैबलेट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके हाथों भी छात्र और छात्राओं को टैबलेट तकसीम किया गया। टैबलेट कार्यक्रम में प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद, ADM प्रशासन अनिल कुमार मिश्र और SDM सदर भी मौजूद थे। उधर सतियाव में मौजूद माँ प्रभावती डिग्री कॉलेज में भी MLC विजय बहादुर पाठक के हाथों लड़कियों में लैपटॉप तकसीम किया गया। लैपटॉप पाकर लड़कियाँ काफी खुश नजर आई। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तमाम जात पात और मजहब को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के साथ मुल्क में काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।